दोस्तों भारत का जो सपना था कि वह डॉलर को रुपए से रिप्लेस करेगा, वह सपना अब लगभग साकार होते दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह से कंगाली छाई है वहां हर दिन दो बैंक कंगाल होते दिख रहे हैं। अब साफ साफ दिख रहा है कि डॉलर भारतीय रुपए के सामने कमजोर होगा और कुछ ही महीनों में हो सकता है कि रुपया डॉलर को पूरी तरह से रिप्लेस करके ग्लोबल करेंसी बन सकता है। भारत के पास एक सुनहरा मौका है, लेकिन अब आपको डिटेल में बताते हैं अमेरिका से कैसे 620 बिलियन डॉलर रातों रात गायब हो चुके हैं बैंकों से और बैंकों का विलय होना शुरू हो गया है। अभी तक तकरीबन 6 बैंक कंगाल हो चुके हैं और आपको थोड़ा सा डिटेल में और बताते हैं। दोस्तों अमेरिका अभी ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती में गर्माहट आने के गम से नहीं निकला था कि उसका सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया है, और अब यह बात सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक तक ही नहीं रुकी, बल्कि सिलिकॉन वैली बैंक के बाद कैपिटल कोर और सिग्नेचर बैंक भी बंद हो चुके हैं। कुल मिलाकर देखें तो चीजें 2008 वाली मंदी की तरफ जा रही है, क्योंकि साल 2008 में भी इसी तरह से लेमन ब्रदर्स नाम के फाइनेंशियल फर्म के कोलैप्स होने के बाद पहले अमेरिका और उसके बाद पूरी दुनिया में मंदी का दौर आ गया था, और वो रिसेशन अमेरिका के लिए केवल इकोनॉमिक फ्रंट का चैलेंज नहीं था, बल्कि 2008 के रिसेशन के बाद काफी बड़े चैलेंज देखने को मिले थे। इसी रिसेशन के बाद अमेरिका का डिक्लाइन और चाइना का राइस शुरू हुआ था। रिसेशन हमेशा से वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर देती है। ऐसे में अगर सिलिकॉन वैली का मामला किसी ग्लोबल रिसेशन का रूप लेता है तो वर्ल्ड ऑर्डर में फिर से उलटफेर हो सकते हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर बैंक्स क्यों कोलैप्स होते हैं, तो आपको बता दें कि ये बैंक लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और उसे निवेशकों को ब्याज पर देकर मुनाफा कमाते हैं। बैंक ये मानकर चलता है कि सारे डिपॉजिटर एक ही बार में आकर अपना डिपॉजिट नहीं मांगेंगे, लेकिन जब डिपॉजिटर को यह संदेह हो जाता है कि बैंक सही से काम नहीं कर रहा और बैठने वाला है, तो यह सारे डिपॉजिटर बैंक में एक ही बार जाकर अपने पैसे मांगने लगते हैं और इससे बैंक कोलैप्स हो जाता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए देशों के सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक डिपॉजिट पैसों का इंश्योरेंस करती है, जिससे डिपॉजिटर के पैसे डूबने का डर कम हो जाता है और सारे डिपॉजिटर एक ही बार में बैंक के पास पैसा लेने भी नहीं पहुंचते। इससे बैंक कोलैप्स होने से बच जाता है। अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो यह स्टार्टअप और टेक कंपनीज को पैसा देती है और उन्हीं का डिपॉजिट लेती है, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टार्टअप और टेक कंपनियों की ग्रोथ रुकी हुई है और उन्हें उतना मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसे में टेक कंपनी और स्टार्टअप अपना पैसा लेने के लिए एक ही बार में सिलिकॉन वैली बैंक पहुंच गए, जिससे बैंक डूब गया। सिलिकॉन वैली के बाद अमेरिका के बैंक के डूबने का सिलसिला रुक नहीं रहा और यह बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि कब एक नए बैंक के डूबने की खबर सामने आ जाए। बैंक के डूबने को ही फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं और यही फाइनेंशियल क्राइसिस रिसेशन का कारण बनता है, और फाइनेंशियल क्राइसिस को इसलिए एक गंभीर संकट के रूप में देखा जाता है। वहीं अमेरिका के बैंक रेगुलेटर एफबीआई ने सिलिकॉन वैली बैंक के निवेशकों के इंटरेस्ट सर्व करने के लिए एक नया बैंक बनाकर उसमें सिलिकॉन वैली बैंक का सारा पैसा डाल दिया। इससे सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिट को तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक के बाद एक डूबने का सिलसिला शायद नहीं रुकेगा और यह फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका को एक गंभीर संकट की ओर धकेल सकता है। ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका को 620 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इस संकट से अपने आप को कैसे बचाता है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के चक्कर में दुनिया भर में अमेरिका ने अपनी किरकिरी तो करा ही ली है, इसके साथ ही उसने अपना 220 बिलियन डॉलर का बड़ा नुकसान भी करवा लिया। यानी कि अपने देश को छोड़कर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना अमेरिका को बहुत ज्यादा महंगा पड़ चुका है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका की एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने भारत के अडानी ग्रुप पर एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके बाद अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के बीच बिल्कुल पैनिक का माहौल बन गया, लेकिन अडानी ग्रुप पर इतने इल्जाम लगाने के दौरान हिंडनबर्ग अपने खुद के देश अमेरिका को देखना भूल गया।
जहां पर देखते ही देखते अमेरिका को इस दशक का सबसे बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई और हालात को सामान्य करने में कई महीनों का समय लग सकता है, क्योंकि दोस्तों अब अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स हो गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों अमेरिका के सबसे बड़े बैंक में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों यह बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के संता क्लारा शहर में स्थित था, जिसके पास दिवालिया होने से पहले 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा के एसेट मौजूद थे। ऐसे में इतने बड़े बैंक का दिवालिया होना पूरी दुनिया के लिए काफी हैरानी की बात है, क्योंकि जहां एक तरफ चारों तरफ अडानी ग्रुप के बारे में ही चर्चा हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से यह खबर आती है कि अमेरिका के कुछ सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक अब दिवालिया हो चुका है। इस खबर ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भी पैनिक की स्थिति बना दी है, क्योंकि पहले ही यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन देशों की अर्थव्यवस्था काफी खस्ता हालत में थी। ऐसे में अचानक से इतने बड़े अमेरिकी बैंक का गिर जाना अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों के लिए काफी गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ऐसी ही 2-3 और घटनाएं होती तो यह पूरे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। लेकिन आज भारत में कई विशेषज्ञ अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक की इस हालत को देखकर ये सवाल कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के इतने बड़े बैंक की हालत इतनी खराब थी तो इसके बारे में कोई खबर सामने क्यों नहीं आई, और ऊपर से हिंडनबर्ग जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी भारत के अडानी ग्रुप को ही टारगेट करते हुए रिपोर्ट क्यों जारी की और अपने देश की कंपनी पर एक भी बयान क्यों नहीं दिया। वहीं पर आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को भी लगभग 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। और रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर CNBC के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिससे यह बात कन्फर्म हो जाती है कि इस अमेरिकी रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसके बावजूद आज भी अडानी ग्रुप तो खड़ा है और दिवालिया होने की स्थिति पर नहीं आया। लेकिन इसी के उलट अमेरिका का इतना बड़ा बैंक इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही कुछ हफ्तों में धराशायी हो गया, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या यह रिपोर्ट सिर्फ एक प्रोपेगेंडा थी जो भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए लाई गई थी या नहीं। हालांकि यह रिपोर्ट प्रोपेगेंडा थी या नहीं इस पर कोई ठोस बयान देना तो संभव नहीं है, लेकिन यह बात जरूर कही जा सकती है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के शुरुआती हफ्तों में अडानी को जितना नुकसान हुआ, अब धीरे धीरे अडानी ग्रुप उसकी भरपाई भी कर रहा है, क्योंकि खबरों के मुताबिक 5 दिनों में लगातार अडानी ग्रुप के स्टॉक ने 45% की मजबूती दिखाई और 2,00,000 करोड़ की वैल्यू फिर से हासिल कर ली, जो अपने आप में काफी बड़ी और तगड़ी ग्रोथ है। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की आर्थिक स्थिति पिछले कुछ समय से लगातार कमजोर होती जा रही है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।